एंगेजमेंट होने जा रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? व्लॉग में अपन ने बताया था बाजरे की छमिया बनने वाली है। छमिया नहीं, चमचमिया। ठीक है, तो ये बन गई चमचमिया। सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज मी लकी साइड एंड द टिडबिट टॉक्स। और आज का जो व्लॉग होने वाला इंटरेस्टिंग रेगुलर व्लॉगों से। आज का व्लॉग इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज डेली लाइफ से हट कुछ अलग चीजें दिखाने को ट्राई करूंगा। तो बहुत सारे अपन होटल नंबर 1 प्राइजेस क्या है वो थोड़ी देर में ब्लॉग पे बने रखता करते जाएंगे। तो आ गए वेडिंग अपना होटल नंबर 1, और इसके अलावा हमें 2 हो चुके और हैं हमारा पूरी वेडिंग। छोटा सा पार्ट और छोटा सा पार्ट बहुत काम होता है, छोटा होता है बड़ा मज़ा आने। अगर आप अपने लाइफ में अपने काम को एंजॉय करते हो ना, तो उससे बेटर आपके पास कुछ भी नहीं। तो हैव लाइफ मस्त। ये रही राधिका, और ये लगा है अपनी कंपनी का। अब इस डिस्प्ले बोर्ड में क्या है वो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। इसको देखने की बने रहो, यही सारी चीजें अब इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बोर्ड लाइफ ऑफ इवेंट मैनेजर। हमें जब टाइम मिलता है अपना खाना ऐसा साथ लेके चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, और जब टाइम मिलता है तो ऐसा खा लेते हैं। ये भी एक पार्ट है लाइफ का और इस काम की खूबसूरती का। तो यार आज थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, हल्का सा शोर शराबा क्योंकि रोड पे घूम रहा हूँ, देख ही रहे हो। और अब तो हेलो आए बोलने लड़के वालों के साथ। फुल बिजी है लड़की क्योंकि इस वाली काम का पूरा लोड इसी के पास है, और अपन थोड़े से फ्री हैं, अपना काम शाम को चालू होगा। बस अभी के लिए खोल दो भैया। यहाँ पे गेस्टों के वेलकम के लिए सैनिटाइजर और मास्क। This is new normal life. पहले ये स्वागत हुआ करता था फ्लावर्स, परफ्यूम, फ्लावर्स और इन चीज़ों के साथ माला। अब ये स्वागत मास्क और सैनिटाइजर के साथ। तो देख रहे हो आप कितनी चीज। ये है ब्राइड हमारी। मास्क तो लगाना मजबूरी है क्योंकि 6 गज की दूरी है। मेहंदी भी है देखो। ये मैंने कहा था ना इस वाले ब्लॉग में कुछ नया स्वाद मिलेगा, ये नया स्वाद। शक्ल तो दिख भी नहीं रही है ना मास्क के पीछे। ये आ गया है श्रेयांश। दुल्हन देखी थी ना अपन ने इसके पहले, ये उसका भाई। दुल्हन के भाई की हालत ऐसी हो जाती है उसकी शादी में, देख सकते हो। ये और ये, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है और एक फर्क है। सिमिलरिटी एज बराबर है लेकिन ये शादीशुदा है, और ये बालक वर्ग में अभी भी। इसकी शादी भी हमने करवाई थी। हो गया भाई बारात वरात का स्वागत वागत, और हो गए थक गए। ये लड़का देखो अब हो गया तैयार चकाचक। तो अभी अपन दिखाने जा रहे हैं ब्राइड का बिफोर देख चुके हो, अब आफ्टर देखो। ऐसा बदल जाता है दूल्हा भी बोले, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो सुनिए सबको नाचना है, आप सब रेडी हैं? ओके तो सबको नाचना और क्या कहना, छोटे छोटे भाई और के बड़े भाई। शोर शराबा में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बस इस माहौल को एंजॉय करो। तो ये इस तरह से सजन गोल्ड की तैयारी वहाँ तक। I'm not a man, I'm not a man.
वॉच टाइम हो रहा है 4 और भूख के मारे आत्मा गाइड इवेंट थोड़ी देर रोका है ताकि सब भोजन कर लें फिर एंजॉय करेंगे फिर शाम को करेंगे भोजन सिंपल मारवाड़ी थाली थोड़ी सी गंदी इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ खाना खा के मिलते हैं बहुत तेज भूख लगी है बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना फाइनली फूड आज पता चला लाइफ ऑफ ब्लॉगर आप एक हाथ से लूले हो चुके होते हो क्योंकि एक हाथ आपका व्यस्त है और दूसरा हाथ आप मिलते हैं फिर गर्मी हो गई अचानक से कैसे खोल रही हो ये लड़की मटकी का ढक्कन ढूंढ के खोल रही है अब आप बताओ एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में ये ऐसे इंसान खाए तो खाए कैसे अभी से मतलब कमेंट करके बता दो कैसे खाया जाए तो भाई हमें मिले फोटोग्राफर टीम से हैं और कश्मीर से स्पेशली आए थम्स अप बनता है इनके लिए टिडबिट टॉक्स रॉक्स भाई इंटरव्यू ले रहे हैं राधिका विद अस राधिका एंड लकी एज यू गाइस नो कि राधिका और लकी जो है लाइक इन अ कंपनी रनिंग अ कंपनी टुगेदर आल्सो दे आर वाइफ एंड हस्बैंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड अब देखना है कि अब हम राधिका से पूछ रहे हैं कि लकी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ था कि लकी के प्यार में पड़ गए और फिर उसके बाद कंपनी खोलनी पड़ी कह रहे हैं कि पहले कंपनी खोली उसके बाद ही हुआ ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ हम लोग करीब 5 साल से साथ काम कर रहे हैं उसके बाद क्या शादी अभी 2 साल पहले आपने वो तो बैंड बाजा बाराती तो नहीं देखी है उसमें वही देखी तो थी दे आर इंस्पायर्ड बाय मूवी बॉलीवुड मूवी बैंड बाजा बाराती या ये बोल सकते हैं कि वो हमको देख के हुई हो बट दैट वाज दैट लाइक दैट इज रिलीज बिफोर योर मैरिज सो वो इंस्पायर नहीं है आप इंस्पायर हो कोई बात नहीं ये सह लेंगे थोड़ा तो चलो कंपनी का क्या नाम है बेंचमार्क इवेंट बाय टीम बेंचमार्क जो है बेचारी थक हार के ये नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही इस तरह से बैठ गए हैं चौराहे पे रोड पे ये लोग अब फंसे हैं मांस उतार लेते हैं यार अब मांस उतार के बात कर लेते हैं मांस आ गई देख कर लड़के को तो भाई थोड़ा पीछे जो शोर शराब आ रहा हो उसके लिए इन सबको माफ कर देना इसको हम नहीं रोक सकते इसको हम रोक नहीं सकते ये हमारे मैनेजमेंट में आता ही नहीं है तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ इतने लंबे टाइम के बाद काम करके सुबह से शाम होने आई कैसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है भैया इतना आगे क्यों बोल रहे हैं नॉर्मल बोल रहे बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है ये जो इतने दिनों से हमारे अंदर एक लॉकडाउन में जो दिन कटे हैं एक जो एंजॉयमेंट भी नहीं मिला है काम करने का एक मजा भी नहीं मिला है वो आज जाके मिला तो ये काम एंजॉयमेंट के लिए करते हैं काम एंजॉयमेंट के लिए करते हैं और ये तो बात मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई काम जो भी करो वो एंजॉयमेंट के लिए करो और काम को जो जो एंजॉय करेगा मजे लेगा और कुछ नहीं तो भाई हो गया यहाँ का फंक्शन ऑलमोस्ट वाइंड अप 2-4 लोग जो बचे हुए हैं वो खाएंगे पियेंगे अपना एंजॉय करेंगे हम जाके अगले फंक्शन जो शाम को होना है उसकी तैयारी करते हैं और थोड़ा यार 8 महीने बाद काम किया है पैरों को थोड़ा सा आराम देने के लिए भी यार ज़रूरी है पसंद आ रहा हो व्लॉग तो लाइक ज़रूर करना कमेंट करना सब्सक्राइब तो भी कर लेना सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अब ये वेडिंग व्लॉग्स मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसी काम मिलते रहे तो कंटिन्यू रहेगा और हम जीवन को इस तरह से रंगत से भरते रहेंगे मीनवाइल अभी डेली व्लॉग हो गया सब कुछ चेंज शाम हो गई अगले फंक्शन और अमित सर ये जो खूबसूरत सी लॉबी वाला होटल है यहाँ से वहाँ तक ये इसके जीएम है और सक्सेसफुली वंडरफुल एकदम मतलब नेचर से एकदम जैसे अपने व्लॉग होते हैं ना मस्त ऐसे वाले डेली रनिंग कर दे 5 किलोमीटर डेली मतलब देख रहे हो आप फिटनेस टिप्स इनसे ले सकते हैं भाई छोड़ दो अपन कंपेयर नहीं करेंगे बट हाँ ही इज मस्त वाला आदमी एकदम अपना
तो अब अपन जा रहे हैं जहाँ फंक्शन एक्चुअल में जस्ट बैंकेट में होना है। तो बॉस लड़की कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना। और बहुत देर से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में और मन में एक सवाल आएगा कि ये सब क्या लगा हुआ है, तो आओ दिखा दे। तो ये लग गया अपना एंगेजमेंट का स्टेज। तो जादू दिखाएं अभी आप। ये अपन है नॉर्मल, बूम चमक गए, अब देखो बूम लाल हो गए। फिर से करें, एक दो तीन, अब हुआ, हो गया ना। ये जादू है जादू है इस स्टिक का, और ये जादू कर रहे हैं इस स्टिक के साथ। तो यार व्लॉग हो गया थोड़ा सा लंबा, एज यू नो, क्योंकि वेडिंग है, रिचुअल्स हैं, इवेंट्स हैं, और एक इवेंट प्लानर की लाइफ कितनी ज़्यादा होती हो तो हम बहुत कट शॉर्ट करके बताते हैं। अगर यहाँ तक ये ब्लॉग देख लिया और ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और वैसे इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारी स्टोरीज और पोस्ट इस बारे में भी डालते रहते हैं, तो वहाँ भी कनेक्ट हो, मज़ा ही आएगा। और लंबा हो गया है, अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अपन आगे और इस तरह के। और ये बेसिकली मैं इसको बोलूँगा वेडिंग ब्लॉग, ये अभी तक इंडिया में कोई भी नहीं करता, दिस इज़ माई फर्स्ट टर्न, और जहाँ तक मुझे पता है कि मैं अकेला हूँ जो वेडिंग ब्लॉगिंग कर रहा है। रेस्ट वेडिंग के बारे में सभी कुछ बताते हैं, बट एक वेडिंग प्लानर, एक इवेंट प्लानर कैसी कैसी मेहनत करता है वो हमारे काम से देखेगी। इस वाले में जो कमी हो बताना ज़रूर, अपन उसको पूरी करेंगे, सुधारेंगे और आप लोगों के साथ बना रहेगा। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से इवेंट। शाम वाली दुल्हन से मिलो दो शब्द बोलो, अब कैसी फीलिंग आ रही है? एंगेजमेंट होने जा रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है बोलो? पता नहीं, ऐसे मुंह के साथ मैं क्या बताऊंगा लोगों को कि क्या फीलिंग आती है। एक्साइटेड एंड नर्वस, मुझे नहीं पता। तो ये था आज का हमारा दिन, एक कल रदन चालू होगा, उसका व्लॉग परसों देखने को मिलेगा, बने। तो गई भाई काफ़ी रात, एनर्जी गई ट्रेन, सुबह 5 बजे से अपन उठे हुए हैं और तकरीबन 7-8 बजे से लग गए थे काम। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, अगर ये ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। तो आज के लिए रखते हैं, दिस इज मी लकी साइनिंग आउट विद द टिडबिट टॉक्स, और एट द एंड जो दिल में वो करो, बाय बाय।